हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप जरूर देखिएगा। ये हमारा कपड़ा है और ये है 4 मीटर, ये देख लीजिएगा। तो इसके हम कितने कलियां काटेंगे, क्या नाप है, वो सारी मैं बताऊंगी आपको आगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसकी आधा मीटर कपड़ा है वो रख लेते हैं साइड में, क्योंकि नीचे चाहे तो आप इसका ब्लाउज बना सकते हो, चाहे आप इसको नीचे, मतलब अस्तर नहीं है तो नीचे पट्टी लगा ले लेंगे। आप अलग पट्टी लगाओगे तो भी चलेगा। तो आधा मीटर मैंने ब्लाउज के लिए इसको रख लिया है, जिसका बेल्ट वगैरह बना लेंगे ऊपर, नेफा जिसको बोलते। अब हमारे पास कपड़ा बचा है 3.5 मीटर और इसको हमने 8 बार फोल्ड कर लिया है। पहले 2 बार किया, फिर हमने 2 को 2 बार किया तो 4, फिर 4 को हमने 1 बार और किया, तो 8 ले रही है हमारी, बन चुकी है इस तरह से, ये देखिए। अब हम इसको नाप लेते हैं कि कितना होता है और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे यहाँ से। ये हमारी 8 लहरें हैं, तो 8 कली हमारी बीच से कट जाएगी और 4 4 कली हमारी दोनों साइड से कट जाएगी, तो 16 कलियाँ हमारी यहाँ से निकल जाएगी। और इसकी लंबाई है वो हमें रखनी है 41 इंची और कमर है हमारी 36 इंची, तो हम 16 कलियां निकालेंगे तो 36 में हम 16 का भाग देंगे और जो जितना भी हमारा कली का आता उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेते हैं, यानी जो कमर होती है और जितनी हमें कलियां बनानी होती है तो कमर में हम जितनी कलियां बनाएंगे उसका भाग देंगे और 1 कली में हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि वो दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाता है। तो इस तरह से हम है वो निकालते हैं मेजरमेंट। तो आप कितने भी कमर हो आपकी और कितने भी आप कलियां बनाएं वो आप इस तरह से निकाल लें। जैसे 40 इंची कमर है और 20 कलियां बना रहे हो तो 40 में 20 का भाग दोगे, दो दो इंची की एक कली आएगी आपकी, और इसमें 1 इंच प्लस करोगे क्योंकि दोनों तरफ आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। तो 1 इंच आपको हर कली में 1 इंच यानी प्लस करना होता है, यानी 2 और 1 3 इंच की आपकी है वो कली कटेगी। तो यहाँ पर हमारी है वो, तो यहाँ पर हम कली निकालेंगे 3.25 इंच की, क्योंकि 2.25 इंच की हमें तैयार चाहिए और 1 इंच प्लस, तो बीच में से हम इस तरह से 3.25 इंच ले लेंगे। ये बीच में एक निशान बनाया है और फिर दोनों तरफ से आधा आधा इस तरह से निशान लगा के बीच से जो कली निकाल ली है इस तरह से, और यहाँ से हमने 3.5 इंच इस तरह से सीधा निशान लगाया है, ये देख लीजिए, और यहाँ से भी 3.5 पर सीधा निशान लगाया है। तो ये हमारी 20 से कली निकलेगी जो ऊपर वाली और दोनों साइड वाली और जो नीचे कली आएंगी। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। पहले हम नाप लेते हैं, लंबाई हमें 41 चाहिए तो यहाँ पे 41 पूरी ही लेंगे, क्योंकि सिलाई में मार्जिन चला जाएगा जितना हमारा बेल्ट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरी ही नाप है वो लंबाई है पूरी लेते हैं, और यहाँ से मैं ऊपर से 1 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ से हमारा फर्क नहीं है ये कली हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से हम नीचे की जो भी कली आएगी वो पूरे पे काम आएगा। इस तरह से आप इसको निशान लगा लीजिएगा, और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाते हैं। तो ये इस कलियों पे हम जो साइड वाली कली है उस पे हम पूरी 3 इंच की नहीं लगाएंगे, यानी 3.25 पे हम आधा करेंगे 3.25 से, यानी 1.5 इंच या 2 सूत लगाएंगे, क्योंकि ये कली खुलेगी, खुलेगी तो हमारी डबल हो जाएगी, यहाँ से साइड वाली कली है वो खुल के डबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ही लगा रहे हैं, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही, और बीच वाली जो कलियाँ हैं हमारी 8 वो हम पूरी लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड वाली जो दो दो चार चार कलियाँ हैं वो खुलेंगी हमारी। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से, ये पूरी कलियाँ हमारी खुल गई हैं, ये तो सारी कलियाँ जो 16 कलियाँ वो हमारी बराबर हो गई हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारी 2-2 कलियाँ थी, ये देख लीजिए, ये दोनों तरफ से कलियाँ हैं वो दोनों तरफ से तिरछी हैं। मैंने कई बार वीडियो डाला वो एक साइड से तिरछी होती है, ये मेरी दोनों तरफ से तिरछी है, ये देख लीजिए। तो इसमें जोड़ने में आसानी होगी, आप कहीं से भी किधर से भी जोड़ सकते हो। और इस तरह से हम 2-2 कलियाँ जोड़ लेंगे आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। तो सारी कलियाँ हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, ये देखिए यहाँ से जो छोटा बड़ा है उसको हम कट करके बाद में बराबर कर लेंगे, और ये हमारी पूरी कलियाँ हैं वो जॉइंट हो चुकी हैं, ये देखिए। और नीचे से मैंने कट करके इनको बराबर कर लिया, क्योंकि जो कलियाँ हमारी छोटी बड़ी होती हैं तो आप आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखिएगा पहले ही नाप में। तो इस तरह से हमने कट करके और निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे, ये देखिए हमने लाइनिंग नहीं अटैच किया है इसके, सीधा सिंपल ही सिला है।
तो यहाँ पे हम पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम पट्टी निकालेंगे। ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग की पट्टी निकाली है जो कि 4 इंच की है हमारी, और इसको इस तरह से सिलाई करके ज्वाइंट कर लेंगे। पूरी पट्टी, एक लंबी पट्टी बना लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, जिसको फोल्ड पट्टी बोलते हैं उसको। और इसके अंदर लगाएंगे हम पेपर पेस्टिक। तो ये हमारी पेपर पेस्टिक है। पेपर पेस्टिक हमारी छोटी होती है, तो ये हमारी 3 इंची की है। और इसके नीचे इस तरह से हम रख के और यहाँ पर इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। आप इस पे प्रेस भी लगा सकते हो। पेपर पेस्ट के ऊपर आप प्रेस लगाओगे तो ये जम जाएगी, इसके चिपक जाएगी, लेकिन मैंने सिलाई लगाई है। अब हम नीचे से लेते हैं हमारा लहंगा और इसके ऊपर इस तरह से पट्टी रख देते हैं। यानी लहंगा हमारा सुलटा है और पट्टी हमारी उल्टी है। जो फोल्ड पट्टी है वो हमारी उल्टी है और हमारा जो घाघरा है वो है सुलटा। सीधी साइड से लिया। अब हम जो जितनी भी मार्जिन है कलियों की वो एक ही साइड लेनी है इस तरह से, और पूरे पे आधा इंची का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। अब हमें एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है। ये देखिए, ये जो हमारा नीचे का मार्जिन है उसको इस तरह से ऊपर करते हुए, यानी जो हमारी फोल्ड पट्टी है इसकी तरफ करते हुए हम फोल्ड पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, ना कि हमारे लहंगे पे। हम फोल्ड पट्टी पे सिलाई लगाएंगे, जो कॉर्नर की सिलाई है एकदम इस तरह से, जिससे कि हम पट्टी को फोल्ड करेंगे तो आसानी से हमारी फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ पट्टी को इस तरह से। अब हमारी पट्टी है वो सीधी है और जो लहंगा है वो हमारा उरेब में है। तो किस तरह से हमें इसको लगाना है आप देख लीजिएगा। नीचे से बड़ा है लहंगा और ऊपर से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं तो लहंगा है वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे हमें एक एक चुन्नट डालनी पड़ेगी छोटी छोटी। तो आप एक कली में 2 चुन्नट डालिए, बिल्कुल भी छोटी सी। ये देखिए, मैंने बहुत ही बारीकी से चुन्नट डाली है यहाँ पे। एक बड़ी चुन्नट डाल दोगे तो उसमें आपको वो दिखेगी नीचे, तो आपको छोटी छोटी चुन्नट डालनी है इस तरह से। ये देखिए, जहाँ पर भी आपकी जो पट्टी है वो लूज दिखती है वहीं पे आप छोटी सी एक चूना डाल दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो पट्टी है वो बहुत ही अच्छे से, इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा इस तरह से। ये देखिए, छोटी छोटी मैं इसके ऊपर चूना डाल रही हूँ। इससे आपके कपड़े पे झोल नहीं आएगा, जो नीचे वाले कपड़े हैं उस पे झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी, और अच्छे से परफेक्ट इसकी सिलाई होगी। हम पूरी ही पट्टी पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई। अब इसको प्रेस करेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर या तो आप जिप लगा सकते हो, और आपके पास जिप नहीं हो तो यहाँ पे हुक और हाई की पट्टी लगा लीजिए इस तरह से, जैसे ब्लाउज पे लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पे लगानी होती है हमें। तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंच की पट्टी ली है, ये देखिए, और इस तरह से मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा के एक सिलाई इसके ऊपर और लगा दूंगी, और यहाँ पे लगाएंगे हम हुक, 2 या 3 हुक लगा देंगे। और इस साइड लगाएंगे हम जो बाहर वाली पट्टी होती है, हाई बनती है जहां पर, उसको। इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हम लगाते हैं बेल्ट। तो ये हमारा बेल्ट है और इसको हमने बीच से सिलाई कर लेना है, क्योंकि 2 टुकड़े हैं यहाँ पर हमारे बेल्ट के, और आगे से भी फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड आप बाद में भी कर सकते हो, मैंने पहले ही कर लिया है। और यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है। आप इस तरह से भी लगा सकते हो, नीचे से भी और ऊपर से भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ऊपर से लगा रही हूँ, ये देख लीजिएगा। इस तरह से आधा इंची का मार्जिन देते हुए हम इस पे
सिलाई लगा लेंगे। और कलियों का मार्जिन हम एक ही साइड रखेंगे, जो नीचे की साइड रखा था उसी तरह हम ऊपर की साइड भी रखेंगे उसी डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखो, बाद में आप सिलाई इस तरह से लगा सकते हो इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर बाद में सिलाई लगा दीजिए तो आपकी सिलाई है वो बाहर नहीं दिखेगी। अब हमें 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे उसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। तो जो सिलाई आपकी पहली लगी थी उसी सिलाई के पास में ये दूसरी सिलाई लगानी है इस तरह से फोल्ड करके। तो पूरे ही बेल्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारा बेल्ट कहीं पे भी इस पे झोल नहीं आया है और पूरा लग चुका है। अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ से। तो दोनों कोना नीचे से पकड़ के और पहले नीचे से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो नीचे से हम पक्का करते हुए हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हम पूरे पे। पूरे सिलाई लगाने के बाद में दिखाते हैं इसका पूरा लुक लहंगे का। तो ये देखिए, हमारे लहंगा का लुक इस तरह से आया। यहाँ पर मैंने हुक लगा लिए हैं, 2 हुक लगाए हैं, आप चिप भी लगा सकते हो। और ये हमारा बेल्ट है, यानी ऊपर का, जो कहीं पे भी इस पे झोल नहीं आया है। बेल्ट है वो, कभी कभी है वो फोल्ड हो जाता है। और ये है नीचे से, तो नीचे की पट्टी भी आपकी देख लीजिएगा हमारी किस तरह से बनी है, कहीं पे भी कोई भी क्रीज नहीं आई है, बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। तो आप भी इस तरह से सिल सकते हो। अब मैं पहन के दिखाती हूँ आपको कि इसका लुक है वो कैसा आएगा। हालांकि मेरा नहीं है, ये कस्टमर का है, मेरे थोड़ा सा छोटा है, पर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, पहनने के बाद में कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। ये 3.5 मीटर कपड़ा था और नीचे फोल्ड पट्टी के लिए मैंने लाइनिंग ली है, यानी अस्तर का लगाया है। और ये 3.5 मीटर का लहंगा है हमारा, बहुत सुंदर बन के आया है। आई होप ये मेरा वीडियो अच्छा